शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, बच्चों के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, तो आप इस हेल्दी ऑप्शन को एक बारी जरूर ट्राई करें। ये झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। भेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जो ओंडा टाइप का हो, ज़्यादा चपटा टाइप का ना हो, थोड़ा ओंडा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से हम अपनी भेल को मिला पाएंगे। बाउल में हम डाल देंगे एक प्याज को, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काटा है, और इसको इस तरह से अलग कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर, जिसको भी उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, और टमाटर को भी इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें 3 कटोरी ये मुरमुरे डालेंगे। अब पहले इनको मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच इमली का पल्प। यहाँ मैंने इमली को भिगोकर उसका पल्प निकाल के रख दिया था, तो यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली का पल्प ना हो तो आप इमली की चटनी मार्केट में आती है, ये जो आप घर में बना के रखते हो, उसको भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इमली के रस को भी मिला देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मैं डाली हूँ अमचूर पाउडर, यहाँ मैं 1 चम्मच ग्रीन चिली डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची को पीस के भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। अगर आपका मुरमुरा नमकीन हो तो आप इसमें नमक ना डालें, तो नमक को भी अच्छे से मिला देंगे। यहाँ मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे, इसमें पतली वाली भुजिया डलती है, पर मेरे पास आज पतली वाली भुजिया नहीं है, तो मैं ये आलू भुजिया डाल रही हूँ, उसको डाल देते हैं। आप चाहे तो पतली वाली भुजिया भी डाल सकते हैं, या इसको भी डाल दें, इससे भी वैसे ही स्वाद आएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी भेल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी चटपटी भेल बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, और बनाना देख रहे हैं आप कितना आसान है। तो जब भी छोटी मोटी भूख हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें।